ओके अब स्टार्ट करने वाला है अपर लिम के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, बैक एंड स्कैपुलर रीजन, इंपॉर्टेंट मसल्स। सबसे पहला मसल है पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस मेजर। इसका ओरिजिन, इसमें दो हेड होते हैं, एक होता है ये वाला पार्ट, दिस इज द क्लेविकुलर हेड, और ये वाला पार्ट जो है वो स्टर्नो कोस्टल हेड। तो जो क्लेविकुलर हेड होता है वो स्टर्नल हाफ ऑफ द क्लेविकल से ओरिजिनेट होता है, स्टर्नल हाफ ऑफ क्लेविकल। फिर दूसरा है जो वो स्टर्नो कोस्टल, तो ये मैनुब्रियम से, और दूसरा अपर सिक्स रिब की जो कार्टिलेज होती है वहाँ से ओरिजिनेट करता है। तो ये हो गया उसका ओरिजिन। अब इंसर्शन कहाँ पे होता है, इंसर्शन होता है इन द बिसिपिटल ग्रूव, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये होता है बिसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। तो ये उसका ओरिजिन एंड इंसर्शन। इसका नर्व सप्लाई, इट हैज़ ड्यूअल नर्व सप्लाई, तो इसकी वजह से ये एक हाइब्रिड मसल है, हाइब्रिड मसल। ड्यूअल नर्व सप्लाई होता है कौन सी नर्व, तो लेटरल पेक्टोरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये इसका नर्व सप्लाई। उसके बाद इसकी एक्शन कौन सी होती है, तो इसका निमोनिक है फैम, ये फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ये इसकी एक्शन। तो ये था पहला मसल पेक्टोरालिस मेजर। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ड्यूअल नर्व सप्लाई, लेटरल पेक्टोरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। एक्शन हो गई फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब दूसरा मसल है वो है पेक्टोरालिस माइनर मसल, जो उसके नीचे प्रेजेंट होता है। जो पेक्टोरालिस मेजर है उसको अगर हम कट कर देंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेक्टोरालिस माइनर मसल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिब ओरिजिन। इंसर्शन होता है ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। इसकी नर्व सप्लाई, इसमें भी ड्यूअल नर्व सप्लाई है, अगेन मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। इसकी एक्शन है प्रोट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। प्रोट्रैक्शन क्या होता है, तो जो दो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, जो स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर होती है, वो एक दूसरे से दूर जाती है। जब हम हाथ आगे की तरफ शोल्डर का फ्लेक्शन करेंगे तब ये जो शोल्डर ब्लेड होती है ये एक दूसरे से दूर जाती है, तो उसे कहते हैं प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन उसका ऑपोजिट, ये दो अगर पास में आएंगी तो उसे कहते हैं रिट्रैक्शन। तो पेक्टोरालिस माइनर जो है वो प्रोट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला करता है, ये असिस्ट करता है सेरेटस एंटीरियर को। जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है प्रोट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला वो होता है सेरेटस एंटीरियर का, माइनर कंट्रीब्यूशन होता है पेक्टोरालिस माइनर का। तो ये उसकी एक्शन होगी। अब उसके बाद तीसरा मसल है वो है सेरेटस एंटीरियर मसल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। इसका ओरिजिन फ्रॉम अपर एट रिब्स, ओके, ऊपर की जो एट है 1 2 3 4 5 6 7 8 अपर एट रिब्स है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन होता है ये जो लेटरल बॉर्डर है, सॉरी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यहाँ पे इंसर्शन होता है सेरेटस एंटीरियर का, ये मीडियल बॉर्डर है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल बॉर्डर, यहाँ पे इंसर्शन होता है सेरेटस एंटीरियर का। इसकी एक्शन, सॉरी इसका नर्व सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसकी रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7। लॉन्ग थोरेसिक नर्व का दूसरा नाम है बेल्स नर्व या फिर नर्व ऑफ बेल। अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सेरेटस एंटीरियर का मेन फंक्शन क्या था, जो पहले बताया था, एक्शन क्या थी, प्रोट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर्ड हो गई तो वो क्या करेगा, विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाएगा, इस तरीके से स्कैपुला विंगिंग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, सेरेटस एंटीरियर अपर एट रिब्स से ओरिजिनेट होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में इंसर्शन होता है, और नर्व सप्लाई लॉन्ग थोरेसिक नर्व और नर्व ऑफ बेल। अगर इसकी इंजरी हुई देन विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो ये तीन मसल्स थे मेजर पेक्टोरल रीजन के। उसके बाद एक फेशिया है, इसका नाम है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ये फेशिया
उसका उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? लोकेशन होती है जस्ट बिलो द क्लेविकल, जस्ट बिलो द क्लेविकल। और इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है? फ्रॉम द क्लेविकल, ये क्लेविकल है, टिल पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो क्लेविकल से लेके पेक्टोरालिस माइनर तक इसकी एक्सटेंशन होती है। पेक्टोरालिस माइनर को कवर करने के बाद ये एक्सटेंड कर जाता है एंड फॉर्म्स सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। ये देख सकते हो यहाँ पे पेक्टोरालिस माइनर को कवर कर दिया, फिर उसके बाद ये एक्सटेंड कर जाता है एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। उसके बाद ये मर्ज हो जाता है इंटू एक्सिलरी फेशिया। ये जो है ये एक्सिलरी फेशिया, ये दो मसल को कवर करता है। मसल कवर्ड, एक तो हो गया सब क्लेवियस मसल, कि ये क्लेविकल के जस्ट नीचे ये सब क्लेवियस मसल, और दूसरा है पेक्टोरालिस माइनर। ये पेक्टोरालिस माइनर और सब क्लेवियस मसल दोनों को कवर करता है, एनक्लोज करता है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्स पियर्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पियर्स होते हैं थ्रू द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर्स पियर्स थ्रू द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो एक आर्टरी है, एक वेन है और एक नर्व है। इसका निमोनिक है TLC, TLC टी से है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, एल से है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, सॉरी लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, और सी से है सिफेलिक वेन। तो ये स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं थ्रू द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया प्रेजेंट कहाँ पे होता है? लोकेशन बता दी, जस्ट बिलो द क्लेविकल, डीप टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल, सॉरी डीप टू पेक्टोरालिस मेजर मसल। अगर ये हम पेक्टोरालिस मेजर मसल को, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, इसको अगर हमने कट कर दिया तो उसके नीचे ही हमें दिखेगा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, लोकेशन देख लिया हमने, इसका एक्सटेंट देख लिया, इसके बाद कौन से मसल को एनक्लोज करता है वो देख लिया, और स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पियर्स करता है वो भी देख लिया। TLC याद रखना इसको, ये था क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। उसके बाद अब देखते हैं मसल्स इन द बैक, मसल्स इन बैक। पहला इंपॉर्टेंट मसल है वो है ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस का ओरिजिन बहुत सारे पॉइंट से होता है। ये जो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, ये पहला हो गया एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस। दूसरा है ये सुपीरियर नकल लाइन, सुपीरियर नकल लाइन। उसके बाद यहाँ पे एक लिगामेंट जाता है विच इज लिगामेंटम न्यूके, लिगामेंटम न्यूके, ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद है ट्रांसवर्स, सॉरी स्पाइन ऑफ द C7 वर्टिब्रा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा। तो स्पाइन ऑफ C7 अप टू C7 वर्टिब्रा एंड सम थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये चार इंसर्शन पॉइंट्स हो गए, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, सुपीरियर नकल लाइन, लिगामेंटम न्यूके एंड स्पाइन ऑफ द टिल C7 वर्टिब्रा एंड सम थोरेसिक वर्टिब्रा। अब इंसर्शन कहाँ पे होता है? इसका इंसर्शन मेनली होता है इनका एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और दूसरा होता है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल लेटरल 1/3। ये उसका ओरिजिन इंसर्शन। अब नर्व सप्लाई होता है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इसकी एक्शन होती है, मेन जो इसकी एक्शन है वो एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, फिर दूसरी है रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, और तीसरी है ओवरहेड एबडक्शन ऑफ द शोल्डर, ओवरहेड एबडक्शन ऑफ शोल्डर अलॉन्ग विद सेरेटस एंटीरियर। तो मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है ओवरहेड एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट 180 डिग्री में, वो होता है बाय ट्रेपीजियस मसल अलॉन्ग विद सेरेटस। मेजर कंट्रीब्यूशन होता है बाय ट्रेपीजियस मसल। दूसरा एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, इट इज़ अलॉन्ग विथ लेवेटर स्कैपुलर मसल। तीसरा रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, इट इज़ अलॉन्ग विथ रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर। तो ये एक्शंस हो गई, एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला, ओवरहेड एबडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, ये उसकी एक्शंस हो गई। तो ये था ट्रेपीजियस के बारे में। उसके बाद दूसरे मसल्स है, पहला है लिवेटर स्कैपुलाई, लिवेटर स्कैपुलाई। अगेन इसकी ओरिजिन इंसर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओरिजिन होता है अबव पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। इंसर्शन होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 to C4। इसकी एक्शन और सॉरी नर्व सप्लाई वो भी इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ ड्यूअल नर्व सप्लाई। पहली है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व, और सेकेंड इज फ्रॉम C3 C4 फाइबर्स। तो
ये ड्यूअल नर्व सप्लाई एक्शन है इसकी जो पहले पड़ी थी एलिवेशन ऑफ स्कैपुला अलोंग विथ ट्रेपीजियस। फिर है रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर, इसकी नर्व सप्लाई अगेन डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व एक्शन है जो पहले पड़ी थी रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। तो ये मसल्स हो गई स्कैपुलर रीजन की, बैक रीजन की और पेक्टोरल रीजन की, साथ में हमने देखा क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। अब और एक मसल है बैक में जो है लैटिसमस डोर्साई मसल, लैटिसमस डोर्साई मसल। लैटिसमस डोर्साई का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो बहुत सारे पार्ट से ओरिजिन होता है ये वाला मसल जो ये लैटिसमस डोर्साई मसल। तो इसका ओरिजिन होता है, एक है ये इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट से होता है। फिर उसके बाद माइन ऑफ T7 to L5, देन इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, ये जो है इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, यहाँ से भी ओरिजिनेट होता है। तो ओरिजिन हो गया T7 to L5, स्पाइनस प्रोसेस, देन इलियक क्रेस्ट, देन एक एपोन्यूरिसिस होता है थोरेको लंबर एपोन्यूरोसिस, और लास्ट में इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। इंसर्शन होता है इसका अगेन बिसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। दूसरा कौन सा मसल हो रहा था? पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, उसका भी इंसर्शन हो रहा था इनटू बिसिपिटल ग्रूव। इसकी नर्व सप्लाई है थोरेको डोर्सल नर्व, थोरेको डोर्सल नर्व। इसकी एक्शन है एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये मसल्स हो गए सारे बैक और स्कैपुलर रीजन के। अब उसके बाद कुछ कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती है इन मसल्स के बीच में। तो एक स्पेस होती है ये वाली जिसे कहते हैं एंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, और दूसरी स्पेस यहाँ नीचे होती है विच इज़ लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटिट। ये दोनों स्पेसेस मैं दूसरे वीडियो में कवर कर चुका हूँ तो वो भी देख लेना। फिर उसके बाद और एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है जो प्रेजेंट होती है ये वाले रीजन में, वो भी कवर कर दिया। फिर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मसल्स है बैक में जैसे कि सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, देन टेरिस मेजर एंड माइनर, देन सब स्कैपुलरिस, ये सारे भी मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन एंड बैक रीजन। तो इसमें इम्पोर्टेंट एक्शन है सबकी। तो सुप्रा स्पाइनेटस की एक्शन है इनिशियल एबडक्शन ऑफ शोल्डर 0 to 15 degree। अब शोल्डर एबडक्शन की अलग अलग डिग्री में अलग अलग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक बार देख लेते हैं। शोल्डर एबडक्शन 0 to 15 degree कौन करेगा? सुप्रा स्पाइनेटस। देन 15 to 90 degree वो करेगा डेल्टॉइड मसल। देन 90 to 180 degree वो करेगा ट्रेपीजियस, मेनली ट्रेपीजियस अलोंग विथ सेरेटस एंटीरियर मसल। तो ये शोल्डर एबडक्शन के मसल्स। फिर उसके बाद इन्फ्रास्पाइनेटस, उसकी एक्शन है लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस, लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस। टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर, उन दोनों की अलग अलग एक्शन है। टेरिस माइनर की जो एक्शन है वो है लेटरल रोटेशन, अगेन लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस। एंड टेरिस मेजर की एक्शन है वो मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। देन सब स्कैपुलरिस की एक्शन है अगेन मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। तो ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल, उनकी एक्शन है लेटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस। टेरिस मेजर एंड सब स्कैपुलरिस, उनकी एक्शन है मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। फिर उसके बाद रोटेटर कफ मसल्स आते हैं, रोटेटर कफ मसल्स। तो उनका निमोनिक है सिट्स, एस है सुप्रा स्पाइनेटस, आई से है इंफ्रा स्पाइनेटस, टी से है टेरिस माइनर मसल, टेरिस माइनर, और एस से है सब स्कैपुलरिस मसल। अगर शोल्डर में कोई भी इंजरी होती है तो मोस्ट लाइकली मसल टू बी फॉरगॉटन इस सब स्कैपुलरिस मसल, क्योंकि ये डीप प्रेजेंट होता है
ये सारे मसल बाकी थोड़े सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, लेकिन सब स्केपुलरिस थोड़ा डीप प्रेजेंट होता है। तो इसके जैसे इसकी पैथोलॉजी, इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकलाइज रोटेटर ऑफ मसल्स ऐसे। तो यही थे इतने टॉपिक।